Welcome back to my YouTube channel. हेलो गाइस, मैं हूँ हर्षिता। इनोवेटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक डिजाइनर ब्लाउज बनाएंगे जिसके नेक पे फ्रिल अटैच होगा। हमने ब्लाउज की तो अपनी कटिंग कर ली है, फ्रंट एंड बैक। मैं उसका शोल्डर 4 इंच का है ये ब्लाउज मेरा, तो शोल्डर हमने 7 इंच का लिया है। अभी हमने अपने ब्लाउज पे गला नहीं कट किया है क्योंकि हम पहले फ्रिल बनाएंगे, उसके बाद हम इसका गला बनाएंगे। ये तो मेरा फ्रिल, मैंने बैक पार्ट भी कट कर लिया है। मैंने हुक आई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के कट किया है। अब हम अपनी फ्रिल कट करेंगे। ये हमारे पास ब्लाउज की कटिंग करने के बाद हमारे पास इतना फैब्रिक है। हमने अपने कपड़े को 2 तही में फोल्ड कर लिया है। अब हम चौड़ाई अपना देखेंगे। चौड़ाई हमारे पास 7.5 इंच आ रही है। तो हमारा जितना भी कपड़ा है उसमें हम 7.5 इंच का निशान लगा के उसे कट कर लेंगे। फ्रंट इसमें हमारा 2 पार्ट है, फ्रंट और बैक का। बैक पे भी हम फ्रिल लगाएंगे, पर इसके नीचे हम लाइनिंग और कैनवास का भी कपड़ा अटैच करेंगे जिससे हमारी फ्रिल ख़राब बिल्कुल भी ना हो। हम पूरे कपड़े लाइनिंग की फैब्रिक कट कर ली है। इसे भी हमने 7.5 इंच ही कट किया है। हम इसकी एक फ्रिल लेंगे। अब अपने कैनवास के कपड़े पे ये लाइनिंग अटैच करेंगे। इसी के बराबर ही हम अपनी कैनवास का भी कपड़ा कट कर लेंगे। हमारा ये 7.5 इंच है, तो इसमें से हम 1 इंच डाउन करेंगे जो कि 1/2 इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच नीचे से सिलाई में जाएगा। तो हमारी जो भी सिलाई आएगी हम उसके ऊपर कैनवास नहीं अटैच करेंगे, सिर्फ अंदर ही अंदर हमारा एक कैनवास कपड़ा रहेगा। तो हम ऊपर से 1/2 इंच का 1 इंच कम कर ले रहे हैं क्योंकि इतना हमारा सिलाई में जाएगा दोनों साइड से। तो हम अपना 1 इंच कम करने के बाद हमारा आया ये 6.5 इंच, हम उस पर कट करेंगे। 6.5 इंच का पूरे कपड़े पर निशान लगा लेंगे। कर ली है, ये हमारा कैनवास का कपड़ा है और ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारी लाइनिंग है। हम नाप लेते हैं कि हमने कितनी लंबी लंबी पट्टियाँ काटी हैं। हमने 39 इंच की 2 पट्टियाँ काट 39 इंच की हमने लाइनिंग की भी फैब्रिक काट रखी है और हमने कैनवास का कपड़ा रखेंगे। उसके बाद हम इसे आयरन कर देंगे। हमें दोनों साइड से अपनी सिलाई मार्जिन छोड़ के आयरन करनी है। फिर इसे हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर अपनी लाइनिंग रखेंगे। लाइनिंग रखने के बाद हम चारों तरफ से इसे इस तरह से यहाँ से इतना एक साइड ही हम सिलाई रखेंगे, 2 साइड नहीं रखेंगे। एक साइड सिलाई डालने के बाद हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने पे हमारा इस तरह से कपड़ा आएगा। सीधा करने के बाद हम इसे आयरन करेंगे। इसके ऊपर सिलाई ऊपर से फैब्रिक को, बॉडी का पार्ट जो है हमारा उसे हम पूरी तरह से रेडी कर लेंगे। नेक को छोड़ के बाकी हम लाइनिंग डॉट फिटिंग वगैरह, हमारा ये ब्लाउज स्लीवलेस रहेगा इसलिए हम इसमें स्लीव्स बिल्कुल भी अटैच नहीं करेंगे। फ्रंट एंड बैक पूरी तरह से रेडी कर लिया है, बस हमें स्लीव्स बनाना बाकी है और नेक की कटिंग करनी है। देख सकते हैं हमने अपनी फ्रिल भी बिल्कुल रेडी कर ली है। हमने ऊपर भी एक सिलाई डाल दी है और नीचे से भी सिलाई डाल दी है। इसको हमने आयरन करके अच्छे से फिक्स कर लिया है। इस पर भी हमने हुकाई कर रखी है। अब हम अपना नेक काटेंगे।
अब हम बैक पार्ट के ऊपर ही फ्रंट पार्ट अपना रखेंगे। अब हम अपना नेक का निशान लगाएंगे। हमारा 4 इंच का नेक है, नीचे से भी हम 4 इंच ही रखेंगे। साढ़े 4 इंच का हम गला बनाएंगे। हम इस तरह से अपने गले को बनाएंगे। इसे हम कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक है जो इस तरह से आएगा, देख सकते हैं। हम बैक गला को थोड़ा डीप करेंगे। 6.5 इंच का गला लेंगे हम। फ्रिल बनाने के लिए यू पिन का इस्तेमाल किया है, जिसे हमने थोड़ा सा खोल लिया है। ये 1/2 इंच से 2 पॉइंट ऊपर है। हम फ्रिल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसे इस तरह से ऐसे डालेंगे, फिर इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके लिए हम बॉक्स प्लेट बनाएंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम दूसरा सिरा लेंगे इस तरह से। इसे इसके ऊपर रखेंगे, दोनों इक्वल बराबर में ही हम रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारी प्लेट ख़त्म हो रही है, इस हिस्से यहाँ पे। अब हम इसके दूसरा सिरा लेंगे, वापस से हम उसी तरह से ही प्लेट बनाए, बॉक्स प्लेट बनाएंगे। इस तरह से दूसरे साइड भी हम ऐसा ही करेंगे। इस तरह से ये हमारा प्लेट बनेगा, नीचे से हमें इस तरह से दिखेगा। हम पूरा प्लेट को रेडी करते हैं। हम मशीन पे भी बताते हैं कि हमें ये इस पर किस तरह से सिलाई डालनी है। हम 1 इंच सिलाई मार्जिन अपना छोड़ के स्टिच करेंगे।
हम इस तरह से पूरा अपना प्लेट डाल बॉक्स प्लेट करके स्टिच कर लेंगे। फ्रिल को रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। हम अपना बॉडी पार्ट लेंगे, हम अपने गले को पूरा नापेंगे कि हमारा हमारा पूरा गला 30 में 2 पॉइंट ज़्यादा है, 30 इंच का है। हम अपनी फ्रिल लेके इसे हम नापेंगे हमारा फ्रिल कितना इंच बना है। ये हमारा पूरा बराबर आया है 30 इंच। अपने बॉडी के पार्ट के ऊपर फ्रिल अपना अटैच करेंगे। अभी हम इस साइड तो सिले नहीं है, हम इसे रफली लगाएंगे। हम शोल्डर के साइड से नाप के, हमारा शोल्डर यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे इस पे निशान लगाएंगे। अब हम गले की लंबाई ले लेंगे, नाप लेंगे। दूसरा शोल्डर हमारा यहाँ पे आ रहा है, दूसरा शोल्डर हमारा यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे निशान लगा दी। ये हमारी फ्रिल आई है। अब हम अपनी फ्रिल को लेंगे, हमारा जो नेक पार्ट है उसे हम बराबर करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा नेक का पार्ट है जहाँ पे हमने निशान लगाया था, और इस साइड भी हमारा ये नेक का पार्ट है जहाँ हमने निशान लगाया। इसे पिन करेंगे। हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। ये हमारा तैयार होने पे पूरा कंप्लीटली 6.5 आया है। हम अपने नेक का निशान लगाएंगे, हम इस पे थोड़ा सा गहराई देंगे फ्रेंड्स अपने गले में, बॉडी में। जो हम जहाँ से हमारा नेक स्टार्ट होता है वहाँ ही से ही डाउन इसे करेंगे। अब यही मेजरमेंट हम इस साइड भी ले लेते हैं। इस तरह से अब हम इसे कट करेंगे। हमने फ्रिल काट लिया है, हम इसे ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आया। ये हमारा सेंटर पार्ट है जो नेक पे लगेगा, हम इसे इस तरह से समेट देंगे अंदर ऊपर करके। फिर इस तरह से हमारा कॉर्नर आएगा, फिर इसे हम नेक पे अटैच करेंगे। अपना बॉडी पार्ट लेंगे, इसे इस तरह से लगाएंगे। हमारा ये जो सेंटर का पार्ट है इसे हम इक्वली रख के हम पूरी तरह से स्टिच कर लेंगे इसको। इस तरह से हम लाइनिंग का तिरछी पट्टी काटे हैं, इसके ऊपर से हम उसे लगाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद
हम इसे ऐसे करके फोल्ड कर देंगे इस तरह से, पूरे नेक को बना लेंगे और तिरछी पट्टी से ही हम अपना शोल्डर बनाएंगे इस तरह से। शोल्डर में भी स्टिच करने के बाद हम इस तरह से पलट देंगे। आप देख सकते हैं नेक के ऊपर हमने सिलाई नहीं डाली है, हमने आयरन की मदद से ही इसको प्रेस कर रखा है। हमारी स्लीवलेस है आप देख सकते हैं, हमने स्लीव्स बिल्कुल भी नहीं इसमें अटैच किया है। हमारा बैक का पार्ट है जो हमने फ्रंट से थोड़ा डीप रखा है, ये हमारा शोल्डर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।